ओम ज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। क्या भगवान के पास या भगवान को प्राप्त करने के कई रास्ते हैं या केवल एक ही मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, भगवान को समझने का? क्या एक मार्ग है या जितने पथ उतने मत? बहुत सारे मार्ग हैं। अक्सर समाज में ये भ्रम है कि किसी भी मार्ग से जाया जाए आप भगवान तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे वो कर्मकांड का मार्ग हो, चाहे वो ध्यान का मार्ग हो। हम ध्यान से, कर्म से, ज्ञान से भगवान तक पहुंच सकते हैं। यह एक ही बात है। आप किसी देवी देवता की उपासना करो या परम भगवान की उपासना करो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। यानी जितने मत उतने पथ, ऐसा है। या भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो आप सब लोगों का पहले विचार जान लूं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्या विचार है? पुष्पा माता जी क्या सोचती हैं? सॉरी प्रभु जी, फिर से रिपीट करें आप क्वेश्चन। मैंने इसीलिए आपसे पूछा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं या एक ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को जानने का। जैसे बहुत सारे कर्म, ज्ञान, ध्यान, दान, सामाजिक सेवा, बहुत सारे कार्य हैं। तो ये सारे कार्य आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान से मिला देंगे। या भगवान तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, क्या विचार है आपका? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है,
मुझे लगता है कि भगवान तक जाने के लिए सारे स्टेप्स हैं, तो मतलब भगवान तक जाने के सारे जितने जितने पथ जितने मत उतने पथ। मत उतने पथ तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब साथ में भी कर सकते हैं, शायद ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अनुकोली माता जी क्या सोचती हैं? प्रभु जी आपने जब बताया था कि दान और ये सब अगर करते हैं तो प्रभु की तरफ जाते हैं और अच्छा लगता है, पर वो सब हम अपने लिए कर रहे होते हैं कि हम उसको दान दे रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं, पर एक ही रास्ता है शायद कि भगवान की तरफ ध्यान दे के। क्या कौन सा रास्ता है वो एक? जप करके, जो मेरे को लगता है। जी ठीक है, लेकिन उसका जो आपने उस मार्ग जो में, उस मार्ग की जो साधना गुरु से, गुरु से जो शिक्षा लेके, गुरु से कि यू नो जैसे आप बताते हो कि अपने गुरु की शिक्षा दीक्षा के उसमें जाके तभी आगे जा सकते हैं हम। जी उससे ठीक है, थैंक यू। सुप्रिया माता जी। हरि नाम जब एक साधन है कि हम जी भगवान। ठीक है, उपेंद्र प्रभु शेयर कर पाएंगे? दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मुझे भी थोड़ा इस बात पे कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है हर रास्ते में भगवान से प्रेम जरूरी है। जो भी कर रहे हैं, अगर भगवान से प्रेम करके कर रहे हैं या भगवान को सेंटर में करके कर रहे हैं तो भगवान के मतलब भगवान तक जाने का रास्ता वो है, भगवान से प्रेम। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब हम लोग समझते हैं। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए। वास्तविकता में आप कहेंगे ठीक है हमें शास्त्रों को ही मानना चाहिए, पर सारे रास्ते जो शास्त्रों में दिए गए हैं एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। सभी के मतों का आदर करो क्योंकि हर कोई अपनी जगह ठीक है ना? ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं। सभी मतों का आदर करो, सबका सम्मान करो और सब अपनी अपनी जगह ठीक है ना? विभिन्न आज धर्म को लेकर के, आध्यात्मिक चेतना को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर के हजारों गुरु हैं, हजारों संस्थाएं हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो हमको लगता है सब ठीक है अपनी अपनी जगह, सब अच्छा ही कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति जो चर्चा कर रहा है ईश्वर को लेकर के, ईश्वर तक पहुंचने का ही साधन है। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका विपरीत भाव क्या हो सकता है। एक रास्ता कई लक्ष्य, कई रास्ते एक लक्ष्य, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक रास्ता और कई लक्ष्य पर व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन कई रास्तों से एक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। इसको समझते हैं कैसे। लेकिन ये सुनकर के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, अरे ऐसा कैसे, ये तो ठीक आता है कई रास्ते लेकिन एक लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक ही रास्ता है और लक्ष्य कई हो जाएंगे, तो ये थोड़ा समझ से परे होता है। एक रास्ता कई लक्ष्यों की ओर कैसे ले जाता है, इसको उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जो देवी देव भगवद गीता में भगवान ने बोला कि जो देवी देवताओं को पूजता है वो देवी देवताओं के पास जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों के पास जाता है, यानी जो जिसकी आराधना करता है वो उसके पास जाता है।
यानी आया था वो भगवान तक पहुंचने के लिए, एक ही रास्ता था, लेकिन वो कई लक्ष्यों पर भटक गया। कई बार लोग अज्ञानता के कारण भूतों की पूजा, प्रेतों की पूजा को भी अध्यात्म मान लेते हैं, तंत्र साधना को भी अध्यात्म मान लेते हैं, या देवीय उपासना को भी भगवान तक पहुंचने का लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देवी देवता से नरक, स्वर्ग या धाम तक देवी देवताओं की उपासना करके क्या पहुंचा जा सकता है? गीता पढ़ने वालों में यह कौन नहीं जानता कि देवी देवताओं के उपासक देवी देवताओं के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यान्त प्रत्वता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवद गीता 9:25, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वे देवी देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो अपने पितरों को पूजता है, कई बार बहुत सारे लोगों के आपके माता पिता दादा दादी शरीर छोड़ देते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको अपने मंदिर में उनकी फोटो लगा के रख लेते हैं और उनको भी टीका लगाते हैं, उनको भी भोग कर लगाते हैं, है ना? क्योंकि आपका प्यार है, उन्होंने आपके जीवन में उनका बड़ा योगदान है, तो आप उनको सम्मान देने के लिए आप सोचते हैं कि उनकी भी पूजा करेंगे और उनको भी भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लग रहा है, उनको भी लगाएंगे, एक ही बात है। लेकिन भगवद गीता के इस 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में पता चल रहा है कि आप जिसकी पूजा करते हैं उसको प्राप्त होंगे। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवी देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। यानी भूत प्रेतों की उपासना करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत ही बनता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे परम धाम में मेरे साथ निवास करता है। यानी हम भगवान को, भगवान का सानिध्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान की उपासना करें। तो भगवान की उपासना करने के लिए पहली बात जो आवश्यक है वो ये है कि हम ये जाने तो सही कि भगवान क्या है। कई बार अज्ञानता के कारण लोग देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं, तो कई लोग पितरों को ही भगवान मान लेते हैं, तो कई लोग भूत प्रेतों को भगवान मान लेते हैं। लेकिन क्या ये विचार ठीक है जो लोग सोचते हैं, क्या ये ठीक है ये जो कर रहे हैं, या ये जो उनका विचार है जिसके आधार पर वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? तो हर देवी देवता का उपासक देवी देवताओं के पास नहीं जाता, उसका भी कारण है, उसको भी समझेंगे कि देवी देवताओं का उपासना करने वाला भी देवी देवताओं के पास नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे? देवी देवताओं के उपासक जो विष्णु को भगवान नहीं मानते नरक जाते हैं। जो देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं जिनकी बुद्धि केवल देवी देवताओं तक ही सीमित है, जो भगवान विष्णु को यानी परम भगवान नारायण कृष्ण को नहीं जानते वो निश्चित रूप में नरक जाएंगे, नरक जाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, ईशोपनिषद 9, अंतम तमा प्रवश्यन्ति ते अविद्या मुपाशते ततो भूय इव यो तमो यऊ विद्या या व्रता व्रता। जो देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे घोर अंधकार में जाते हैं, और इससे भी अधिक वे जाते हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला भी व्यक्ति वास्तविकता में उसको गुणगान नहीं किया गया, उसको अच्छा नहीं बताया गया। आगे भगवद गीता 9:25 माधवाचार्य जी का जो तात्पर्य है उसमें लिखा है, यथापि यादव अन्यस्तु सायम हनित्वमेषताम न निश्चवन्ति जायन्ते संसार ते पुनः पुनः। ये मध्वाचार्य जी तात्पर्य में बता रहे हैं 9:25 में कि देवी देवताओं के वे उपासक
जो भगवान कृष्ण की पूजा यह जानकर करते हैं कि अन्य देवी देवता भगवान के समान या उनसे ऊपर हैं, वे निश्चय ही पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं और अंततः निम्न योनियों में धकेल दिए जाते हैं। वो भगवान के पास नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये भी भगवान के समान है, जैसे भगवान की पूजा है वैसी देवी देवताओं की पूजा है, या देवी देवताओं जो हैं वो भगवान से ऊपर है, भगवान से ज्यादा उनका ऊंचा स्थान है। तो ऐसा भाव रख करके जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो निश्चय ही इस संसार में पुनः जन्म लेता है और निम्न योनियों में उसको भेज दिया जाता है। आगे शाश्वत तंत्र पाताल खंड में क्या वर्णन है? नाना देवान समाराध्य नाना काम सुखेच्छया भोगावसाने ते यान्ति नारकम स्वतमोमया मयम। जो अनंत इच्छाओं के वशीभूत होकर हम लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, या हम लोगों को बहुत सारे देवी देवताओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? कई बार एक लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारी हम 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या आवश्यकता है, एक भगवान से ही काम चल जाता। लेकिन हमारी 33 करोड़ इच्छाएं हैं, है ना, कामनाएं, जिन्हें हम जानते भी नहीं। कई कामनाओं को तो हम फोकस करते हैं, बहुत सारी ऐसी कामनाएं हैं जिनको हम समझ ही नहीं रहे हैं। तो भगवान ने दया करके ये 33 करोड़ देवी देवता बना दिए कि चलो तुम जितनी इच्छा करो सारी इच्छाओं की पूर्ति ये सब करेंगे। लेकिन वास्तविकता में जो अनंत इच्छाओं के वशीभूत होकर विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वे अंततः नरक को प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे देवी देवताओं का पूजा करने वाला भी नरक जाता है, ऐसा है क्या? तो इनको समझ सकते हैं तर्क के आधार पर। ये शाश्वत तंत्र के पाताल खंड में वर्णन आ रहा है। देवी देवताओं के उपासक जो विष्णु को भगवान मानते हैं पर इच्छाओं से आसक्त होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। अब भेद आ रहा है देवी देवता की उपासना में, यानी जो देवी देवताओं के उपासक तो हैं, उपासना तो देवी देवता की करते हैं, लेकिन जानते हैं कि भगवान कृष्ण या नारायण ही परम भगवान हैं, लेकिन इच्छाओं के वशीभूत हैं, वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनको बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारा उनको संसार में भोग करना है। तो वो देवी देवता भगवान को मान तो रहे हैं कि भगवान परम भगवान, लेकिन देवी देवताओं की फिर भी उपासना कर रहे हैं या उनकी उपासना उनकी सेवा से आ सकते हैं, तो वो लोग क्या है, स्वर्ग जाते हैं। भगवद गीता 7:23 अंतवंतु फलम तेसाम तद भवत तल्प मेदसाम देवान देव जो जानती मद भक्ता जानती मामपी। अल्प बुद्धि वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके द्वारा प्रदत्त फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर भगवान ने फिर स्पष्ट किया कि जो देवी देवताओं की उपासना कर रहा है वो देवी देवताओं के लोक में जाएगा और जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे लोक आएगा। भगवान का धाम वैकुंठ अलग है और स्वर्ग अलग है। स्वर्ग में पुण्य आत्माएं जाती हैं और पाप कर्मों को पुण्य कर्मों को भोग कर पुनः इस धरा धाम पर वापस आते हैं, जबकि भगवान के धाम वैकुंठ लोक में पहुंचने पर वो पुनः वापस नहीं आता, यानी वो नित्य शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। तो देवताओं की पूजा में भी, देव उपासना में भी भेद हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है उसको हम लोग और अभी एक्सप्लेन करेंगे। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में माधवाचार्य जी के तात्पर्य में वर्णन आता है, यत्वा परत्वम विष्णस्तु पृथक देवान यज्ञ नरा याति देवा तमेव प्रपद्यते। विष्णु को परम जानते हुए जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, यानी देवताओं के पास भी केवल देवता उपासना करने वाला नहीं जाता, देवताओं के पास वो जाएगा जो कृष्ण को भगवान मानकर, विष्णु को भगवान मानकर या जानकर जो समझ जाएगा कि परम भगवान कृष्ण हैं, परम ईश्वर कृष्ण हैं और उनको
परम भगवान स्वीकार करते हुए देवी देवताओं की उपासना कर रहा है अगर, तो वो देवी देवता आपके पास जाएगा, यानी स्वर्ग लोक को जाएगा। माधवाचार्य जी बता रहे जो बिना किसी भौतिक इच्छा के देवी देवताओं को विष्णु के सेवक के रूप में उपासना करता है वो विष्णु के पास जाते हैं। अब देवी देवताओं में भी बहुत सारे भेद हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो देवी देवता अपनी अपनी चेतना के, देवी देवता की पूजा करने वाले जो मनुष्य हैं अपनी अपनी भावना और चेतना के अनुसार उनकी अलग अलग गति हो रही है। सारे मत, सारे पथ एक लक्ष्य प्रदान नहीं करते। कई बार लोग मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि अरे कुछ भी करो, एक ही बात है, भगवान की पूजा है। हरे कृष्णा। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि वास्तविकता में भगवान के धाम कौन जा, देवी देवता की उपासना करने वाला भी भगवान के धाम जा सकता है और देवी देवता की उपासना करने वाला नरक जा सकता है और देवी देवता की उपासना करने वाला स्वर्ग जा सकता है, लेकिन किस भावना के साथ वो कर रहा है उस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कौन भगवत धाम जाएगा देवी देवता की उपासना करते हुए भी, जो बिना किसी भौतिक इच्छा के, उसकी कोई कामना नहीं है, वो भोग नहीं चाहता है, उसे संसार में मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति संसार के भोग स्त्री पुरुष विभिन्न प्रकार के भोग नहीं चाहिए, वो देवी देवताओं की उपासना भोगों के लिए नहीं कर रहा, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो जान रहा है कि ये जो देवी देवता हैं ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, और इस सत्य को समझकर कि ये भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, इन भगवान के भक्तों भगवान के सेवकों का सेवा करना चाहिए बिना किसी इच्छा के, यानी भौतिक कामना से रहित होकर के, ऐसा भाव रखने वाला भगवान के धाम जाता है, यानी भगवान को प्राप्त होता है। तो देवी देवताओं की उपासना करने में भी तीन विचारधारा हुई, एक तो ये जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं है और भगवान का सेवक मानते हैं, सभी देवी देवताओं को भगवान का दास मानते हैं जो सच्चाई है, और भगवान का दास मान करके उनकी सेवा कर रहे हैं या उनका आराधना कर रहे हैं तो वो व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है, लेकिन ये विधि भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसको भी भगवान ने कहा 9वां अध्याय के 23वें श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये विधि ठीक नहीं, अविधि पूर्वकम है। भगवान ने कहा कि कुंती पुत्र जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं की पूजा करते हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन इसे अविधि पूर्वक करते हैं, त्रुटि पूर्वक करते हैं, ये विधि ठीक नहीं है। उन्हें अगर हमारा पूजा करना है तो डायरेक्ट हमारा करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पारिपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यम। भगवान ने कई जगह कहा मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम में इतना समझ ही नहीं है कि हम समझ पाए कि देवी देवता क्या है और भगवान क्या है। मैं अक्सर प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, परमात्मा एक है कि बहुत सारे हैं, तब तो आप सब लोग बोलते हो एक है। तो अगर परमात्मा एक है तो उस परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा कि वो एक कौन है, तो उस पर लोग जो मूर्ख हैं वो क्या बोलते, बोले एक ही बात है कोई भी नाम ले लो, ऐसा नहीं है। आपके पिता कितने हैं, एक हैं, दो चार दस नहीं हो सकते। इसी प्रकार से परम पिता भी एक है। अज्ञानता के कारण वर्तमान समय में हमारी समस्या यह है कि हम रिचुअल्स में फंस गए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमें वैदिक एजुकेशन लेनी चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन, उसके प्रति हम बिल्कुल उदासीन हैं। हम आध्यात्मिक जीवन को शिक्षा के रूप में ले ही नहीं रहे हैं, हम तो बस कर्मकांड के आधार पर या कुछ पूजा
और आराधना के आधार पर कुछ चालीसा और कुछ आरतियों तक हमारी साधना और भक्ति और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो शब्द अच्छा नहीं है, सनातन धर्म जो है वास्तविकता में आज कुछ आरती कुछ चालीसा तक सीमित रह गया है। वो वैदिक एजुकेशन नहीं लेना चाहते, बस वो आरतियां करना चाहते हैं कुछ, वो कुछ चालीसा पढ़ना चाहते हैं और कुछ चालीसा कुछ आरतियां पढ़ के वो अपने को संतुष्ट करते हैं कि वो भी आध्यात्मिक है, वो भी धार्मिक है, वो भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी पूजा सार्थक नहीं होगी, या आपको सदगति नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को वास्तविकता में वैदिक एजुकेशन लेनी होगी और शास्त्र के आधार पर। एजुकेशन वास्तविकता में पुस्तकों के आधार पर होती है, पाठ्यक्रम के आधार पर होती है, कहीं से शुरू नहीं होती। इसी प्रकार से वैदिक एजुकेशन भी हमें श्रीमद् भगवद गीता से शुरू करना चाहिए। आचार्यों ने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की एबीसीडी है। अब आप कहेंगे अरे भगवद गीता तो पीएचडी है, आप कह रहे हो एबीसीडी है। भैया परम शब्द को न जानने के कारण इस तरीके के बचकाने विचार हमारे मनों में आते हैं। परम का मतलब, परम में शुरुआत भी परम है और परम का अंत भी परम है। पूर्णता शुरुआत में भी पूर्ण है और अंत में भी पूर्ण है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन की एबीसीडी भी है और पीएचडी भी है, क्योंकि वो परम है। तो गीता को समझे बिना आप आध्यात्मिक जीवन में लूले लगड़े हैं, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी कर रहे हैं और अहंकार पाल लिया है आपने कि आप 20 साल से पूजा कर रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि आप 20 साल से कर रहे हो। एक व्यक्ति अगर 20 साल से गणेश जी की उपासना कर रहा है तो वो ये तर्क देता है कि चूंकि मैं 20 साल से उपासना गणेश जी के कर रहा हूं इसलिए गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है, यही परम भगवान है। तो आप अपने विवेक से बताइए क्या ये सही आधार है, क्योंकि आप 20 साल से मूर्ख बने हुए हो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो सोच रहे हो 20 साल से वही सही है, वही संसार को स्वीकार करना चाहिए। वास्तविकता को वेदों से जानना होगा, वास्तविकता को प्रमाणित गुरुओं से जानना होगा कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, देवी देवता कौन है और परम भगवान कौन है। तो कुछ भी करने से आप परम भगवान के पास पहुंचने वाले नहीं हैं। हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यतो मत तथो पथ। ऐसा नहीं है कि जितने मत उतने पथ, इसको हमें शास्त्र के आधार पर समझना होगा कि वास्तविकता क्या है। तो देवी देवताओं की उपासना करने वाला भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए कि ये देवी देवता भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, और उसकी कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए, बेटा को ये हो जाए, बेटी को ये हो जाए, हमको ये हो जाए। बहुत सारी सांसारिक कामनाएं लेकर के अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या देवी देवताओं की पूजा कर रहे, सॉरी देवी भगवान की नहीं, देवी देवताओं की पूजा अगर बहुत सी कामनाएं लेकर के कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम फिर भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर उनका सेवक मानेंगे और भौतिक कामना से रहित तो होकर के देवी देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको भी भगवद गीता में बोला गया अविध पूर्वकम, यह भी विधि ठीक नहीं है, आपको डायरेक्ट परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये तो एक विचार था। दूसरा विचार पे चर्चा किया था हम लोगों ने कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं, जो विष्णु भगवान, विष्णु को भगवान मानते हैं पर इच्छाओं से आ सकते हैं, यानी वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं लेकिन वो जानते हैं कि देवी देवता भगवान के सेवक हैं और परम भगवान नारायण हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, है ना, इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उनकी अभी भौतिक इच्छाएं हैं, वो संसार में भोग करना चाहते हैं, संसार के विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और देवी देवताओं के उपासक जो विष्णु को भगवान नहीं मानते, देवी देवता के उपासक तो हैं लेकिन उनको सोचते हैं, बोले जैसे देवी देवता है वैसे ही भगवान है, बोले जो गणेश जी हैं, जो हनुमान जी हैं, जो शंकर जी हैं, वही कृष्ण हैं, एक ही बात है। तो ऐसे लोग नरक जाते हैं।
ठीक है ना। और इस पर हम लोगों ने शास्त्र से उदाहरण लेकर के कई उदाहरणों से समझने का प्रयास किया कि क्या होता है। तो विचार और भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मत एक पथ की ओर नहीं जा रहे हैं, आगे चर्चा करते हैं। अतः भिन्न भिन्न मानसिकता के अनुसार देवी देवताओं के उपासक अलग अलग स्थानों को पहुंचते हैं, अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर। अलग अलग मानसिकता वाला व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहा है, एक मार्ग नहीं है। बहुत सारे विचार एक लक्ष्य पर नहीं ले जा रहे हैं, आप भगवान तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। एकमात्र मार्ग भगवान की भक्ति आपको भगवत धाम पहुंचा सकती है, भगवान से आपका साक्षात्कार करवा सकती है, भगवान से आपको मिलवा सकती है। जो भक्त बिना किसी इच्छा के, लेकिन उनमें भक्ति में भी शर्त है कि बिना कामना के भगवान की पूजा करे, कामनाओं के आधार पर भगवान की पूजा करने वाले लोगों को फिर समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। तो जो भक्त बिना किसी इच्छा के, बिना भौतिक इच्छा के भक्ति करते हैं, यानी भगवान की सेवा करते हैं, वे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, उनको भगवान से प्रेम होता है। और जो कामना के लिए सेवा करेगा उसे प्रेम थोड़ी होगा। संसार में आपको किसी से प्रेम है? ईमानदारी से बताइए। तो चूंकि वास्तविकता यह है कि आप अपने आप को नहीं जानते हो, इसलिए आपको होगा हाँ मेरा तो प्रेम है, मेरा पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है। नहीं, किसी से प्रेम नहीं है, क्योंकि आप प्रेम जानते ही नहीं हो। प्रेम क्या है? संसार में जिसे आप प्रेम बोल रहे हो वो काम है। आपका पति आपकी कामना पूरी करता कर रहा है, आप उसकी कामना की पूर्ति कर रहे हो। बच्चा आपकी कामना पूरी कर रहा है, आप बच्चे की कामना पूर्ति कर रहे हो। काम प्रेम नहीं होता। जब कभी प्रेम के टॉपिक को लेंगे तब इसको पहले लिया है, आगे कभी लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। इतना समझ लें कि संसार में जिसे आप प्रेम बोलते हो वो प्रेम नहीं है, आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। आप अगर प्रेम करते हो किसी से तो वो एकमात्र शख्स है और वो आप खुद ही हो, आप अपने आप से प्रेम करते हो। अब वो एक अलग बात है कि आप अपने आप को भी नहीं जान रहे हो, आप अपने को शरीर मान रहे हो तो आप शरीर से प्रेम कर रहे हो, वहां फिर भ्रम है। समझना होगा कि वास्तविकता में प्रेम क्या है और प्रेम का उचित पात्र कौन है। वास्तविकता में प्रेम के उचित पात्र एकमात्र भगवान है, लेकिन वो प्रेम या वो भाव तब प्राप्त होगा जब आप कामनाओं से रहित तो होकर के पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। तो जो भक्त बिना इच्छा के भक्ति करते हैं वे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान के धाम चले जाते हैं। पर जो इच्छाओं के सहित कामनाओं के साथ भक्ति करते हैं वे स्वर्ग लोक तक जाते हैं, यानी स्वर्ग जाते हैं। और जो भक्त अपराध करते हुए भक्ति करते हैं वे नरक जाते हैं, यानी भक्ति करने वाला व्यक्ति भी नरक जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि भक्ति करने वाला व्यक्ति तो भगवत धाम ही जाएगा। अगर वो भक्ति भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध करेगा, भक्तों को कष्ट देगा, भगवान को कष्ट देगा, तो नरक का भागीदार होगा। और अगर कामनाओं के साथ भक्ति करेगा तो स्वर्ग जाएगा, और अगर निष्काम होकर के भक्ति करेगा तब भगवान के धाम जाएगा। शुद्ध भक्ति वास्तविकता में हमें भगवत धाम ले जा सकती है। एकमात्र यानी एक मत अनेक पथ। मत क्या है? एक शुद्ध भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति करने वाला भी कई डायरेक्शन में चला जाएगा, उसके भी कई मंजिलें हो जाएंगी। तो अनेक पथ एक मंजिल पर नहीं ले जा रहा है, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी की उपासना कर रहे हैं आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, ये मूर्खता है। आपको समझना होगा अनेक रास्ते एक मंजिल पर नहीं जाते। हाँ, एक रास्ता अनेक मंजिलों पर अवश्य जाता है, उसी को हम लोग, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? वो हमें भगवत धाम ले जा सकती है, वो हमें परम गति प्रदान कर सकती है। जो भक्त ऐश्वर्य भाव में होंगे भक्ति करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए भी जो ऐश्वर्य भाव में होंगे वो कहां जाएंगे? वैकुंठ लोक में जाएंगे। और जो माधुर्य भाव में होंगे,
प्रेम भाव में होंगे वो गोलोक में जाएंगे, और जो दोनों में है, जिनको ऐश्वर्य भी चाहिए और माधुर्य भी है, वो मथुरा तथा द्वारिका में जाएंगे। भगवान के अलग अलग स्थान हैं जहां भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रेम का विनय अनुनय आदान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। मथुरा में भगवान का अलग भाव है, द्वारिका में भगवान का अलग भाव है, और ब्रज में वृंदावन में अलग भाव है। तो हम लोग उसकी ज्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना चर्चा कर रहे हैं कि जो भक्त जिस भाव से भगवान का पूजा करेगा वो उसको प्राप्त होगा। अतः कई रास्ते एक लक्ष्य की ओर नहीं जाते। आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो देवी देवताओं के लोग जाएंगे, आप अपने पितरों को जो आपके घर में मृत्यु हो गया है उनकी फोटो अगर आपने मंदिर में रख ली है और उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप उनके लोग को जाएंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों को पूजने वाले, और अगर आपके प्रियजन, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका बच्चा जिसने शरीर छोड़ दिया है और आप उसको पूजा कर रहे हो, उसको भोग लगा रहे हो, और अगर वो प्रेत बना है तो आप भी प्रेत बनेंगे, आप भी प्रेतत्व को प्राप्त होंगे। तो सिद्धांतों को समझे बिना जब हम कुछ भी करते हैं तो उसके परिणाम हमको ही भोगने होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को शास्त्र को समझ करके और प्रमाणित गुरु के निर्देशन में सत्य को ध्यान करके आराधना करनी चाहिए, तभी लक्ष्य प्राप्ति होती है। आप सबने सुना हो कि बिना गुरु के गति नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपने गुरु कर लिया, बोले अच्छा हमें पता चला है बिना गुरु के तो गति होती नहीं है प्रभु जी, तो क्या करें? बोले फिर कुछ भी करो, गुरु बना लिया जाए और गुरु बनाने के बाद अपनी मनमर्जी से कार्य किया जाए, तो आपको क्या लगता है आपका कल्याण होगा? अगर आप गुरु को बना करके या गुरु को स्वीकार करके आप उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ी लक्ष्य प्राप्ति होगी। और गुरु भी प्रमाणित होना चाहिए। संसार में हजारों तथा कथित ठग हैं, अच्छे संत भी हैं और ठग भी हैं, लेकिन ठग ठग के पास ही जाएगा। अब कौन ठग है? जब आपको अपने दोष सुनने ही नहीं है, आपको अपनी कमियां जाननी नहीं है, आपको अपनी कमियों पर काम ही नहीं करना है, तो आप किसके पास जाओगे? आप सही गुरु के पास जाओगे? और जाओगे भी तो क्या टिक पाओगे? आप भाग जाओगे 2 मिनट में, क्योंकि वो कहेगा तुम गधे हो, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, तो ये सुनने की क्षमता तो है नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे गुरु जी हमारी पीठ तो, अरे वाह तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने महान हो, तुमसे ज्यादा कोई धर्मात्मा नहीं है, तुमसे ज्यादा पुण्यात्मा। आप कहते हाँ ये गुरु जी ठीक है। तो ठगता वो है जो ठग के पास जाता है, लेकिन वास्तविकता में खुद अपना स्वविवेक से विचार करो, क्या गुरु का कार्य तुम्हारा गुणगान करना है? क्या माता पिता का कार्य बच्चों का गुणगान करना है या उनको सही मार्ग दिखाना है? एक सही माता पिता अपने बच्चों के दोषों को निकाल करके, उन दोषों को समझा करके उन दोषों को निकालते हैं और सही मार्ग देते हैं। ऐसे ही एक प्रमाणित गुरु वाहवाही नहीं करता, वो नालायक को नालायक बोलता है, लेकिन वो नालायक सुनने को हम तैयार नहीं है, इसीलिए हम पढ़ना ही नहीं चाहते, तो पढ़ाएगा कौन? भाई पढ़ने का इच्छा भी तो होना चाहिए, जब आपका इच्छा ही नहीं है पढ़ने का तो आपको कौन पढ़ाएगा? तो इसी प्रकार से वास्तविकता में केवल गुरु करने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। और गुरु भी कैसा है? क्या प्रमाणित गुरु है, प्रमाणित परंपरा से है, या कहीं से कुछ भी कर लिया है? और अगर प्रमाणित परंपरा का गुरु है तो क्या आपने उसको गुरु रूप में स्वीकार किया है? तो ये सब विचार हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। तो जो ठग है वो ठग के पास जाएगा, वो सही सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेगा। तो अतः कई रास्ते एक लक्ष्य की ओर नहीं जाते, बल्कि एक रास्ता कई लक्ष्यों की ओर अवश्य ले जाता है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान, ध्यान, तपस्या, दान, यज्ञ, व्रत आदि भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। अब आपका माथा ठनकेगा, अरे ऐसा कैसे? शास्त्र वचन है, फिर सुन लो। ज्ञान से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ध्यान से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, तपस्या से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, दान से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यज्ञ से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और व्रत आदि
भी भगवान की प्राप्ति में वास्तविकता में नहीं करा सकते आपको। आप सोचे केवल व्रत से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं है संभव। इनसे तो यदि कुछ प्राप्त हो सकता है, ये ज्ञान यज्ञ है ना, इनसे अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो क्या है, इनसे तो केवल पुण्य मिल सकते हैं, कुछ पुण्य प्राप्त हो सकते हैं आपको। दान करने से पुण्य मिलेगा, तपस्या से, ध्यान से, इनसे पुण्य प्राप्त होगा। यहां तक कि अशुद्ध भक्ति, भक्ति भी दो प्रकार की है, एक शुद्ध भक्ति और एक अशुद्ध भक्ति। तो अशुद्ध भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप अशुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल शुद्ध भक्ति ही भगवान का प्रेम कराने में एकमात्र रास्ता है। यानी भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग क्या है, शुद्ध भक्ति। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा नाम जप, नाम जप शुद्ध भक्ति के आधार पर हो रहा है या कामनाओं के आधार पर हो रहा है। आप नाम जप सहायक है, नाम जप भक्ति का प्रमुख अंग है, लेकिन वो नाम जप जो आप कर रहे हैं वो नाम जप कामनाओं के लिए कर रहे हैं या प्रेम के लिए कर रहे हैं। अगर आपका नाम जप भगवान के प्रेम के लिए है तब वो आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा, और अगर नाम जप अपराध कर रहे हैं तब क्या भगवान प्राप्ति होगी, तो विचार करना चाहिए। तो वास्तविकता में शुद्ध भक्ति एक मार्ग है, सारे मार्ग एक लक्ष्य पर नहीं जाते। किसी भी देवता की पूजा करके आप परम धाम नहीं पहुंच सकते, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे प्रमाणित आचार्यों का वैल्यू है। उन्होंने जो बोला है उसको हमें स्वीकार करना होगा, अपना विचार नहीं रखना होगा। हाँ, अपने संदेहों को रख सकते हैं। देखिए, संदेहों को रखना एक अलग प्रकार है और अपने विचारों को रखना एक अलग प्रकार है। जब हम विनम्रता पूर्वक संतों से अपना संदेह रखते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता था लेकिन वास्तविकता क्या है, कृपया मार्गदर्शन। एक तो यह बात है, तरीका बात करने का, और एक तरीका यह है कि मैं ऐसा सोचता हूं, ये तो सब बेकार की चीज है, ऐसा थोड़ी होता है, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, क्या। तो ये तो अपना विचार रखना हुआ, आपको संदेह निवारण नहीं करना है। आप तो अपना मत रख रहे हो, और वो भी मत, वो मत रख रहे हो जिस मत को, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। आपको जानना होगा गीता तथा भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथों से कि कौन व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी है। अभी मैं सारी चर्चा को निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, कृपया ध्यान से विचार करेंगे तो समझ पाएंगे। उदारवाद है ना, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये उदारता रोग है, ये बहुत अच्छा विचार नहीं है कि सब कुछ जो कर रहे हैं सब ठीक ही है। आज के गुरुओं को कुछ आता है या नहीं यह हम नहीं जानते हैं, पर इतनी बात बता सकते हैं कि उनके आश्रमों के बाहर उनकी किताबों में जरूर लिखा होगा सभी के मतों का आदर करो, है ना। और आप सब इस सेंटेंस से बड़े प्रभावित हो और आप सब भी बोलते हो, बोले सारे मतों का आदर करो। अरे भैया, जो आदर के योग होगा उस मत का आदर किया जाएगा या कुछ सारे मतों का आदर करो। कोई कुछ भी कह रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है, उसका आदर करो। ये उदारता नहीं, मूर्खता है। कृपया विवेकवान बनिए, समझिए, एक बात नहीं है, सभी मतों का आदर करो, जो आदर के योग्य है उस मत का आदर करो। ये सेंटेंस ठीक है, ये नहीं कि सारे मतों का आदर करो, कोई कुछ भी बोल रहा है बोले सबका आदर करो, फिर आप भटक जाएंगे, फिर निश्चित रूप से आप लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। उनके आश्रम की दीवारों पर जरूर सभी जाने माने संतों का चित्र होगा और उनकी बातों में जरूर मानवता के प्रति प्रेम और भाईचारे की चर्चा होगी, है ना। ये तथाकथित गुरुओं की बात कर रहे हैं जो मानवता के प्रति प्रेम और भाईचारे पर विशेष बल देते हैं। लेकिन ऐसे तथाकथित गुरु एकमात्र भगवान से प्रेम करने की शिक्षा नहीं देते हैं, जबकि वास्तविक लक्ष्य एकमात्र भगवान से प्रेम करना है। इसको बड़े सरल
विचारों से समझ लीजिए, आपके पांच बच्चे हैं तो उन पांचों का मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? माता पिता की सेवा करना या माता पिता की उपेक्षा करके आपस में भाईचारा निभाना? आपस में अगर वो भाईचारा निभा रहे हैं और माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो क्या वो भाईचारे का कोई मतलब है? लेकिन मूर्खों की कमी नहीं संसार में। बोले सभी मतों का आदर करो, बोले सबके साथ भाईचारा निभाओ, भगवान को निकाल के फेंक दो मक्खी की तरह, दूध से जैसे मक्खी निकाली जाती है, आपस में भाईचारा निभाओ। और कभी भाईचारा होगा नहीं, आप खूब कहते रहो, क्या संभव है? जो पांच बच्चे माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, उन भाइयों में प्रेम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हां, जो पांच बच्चे माता पिता के आश्रित हैं, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर हैं और उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखते हैं, उन पांचों भाइयों में बहनों में प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन मूर्खों को समझ में आएगा नहीं सीधा सिद्धांत। इसी प्रकार से गुरु, अगर गुरु के 100 शिष्य हैं, 1000 शिष्य हैं, तो हजारों शिष्यों को आपस में भाईचारा नहीं निभाना, आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करना। उन हजारों का कर्तव्य है गुरु को प्रसन्न करे, गुरु की प्रसन्नता के लिए फिर सारा कार्य करे, फिर भले ही गुरु जैसा कहे वैसा करे, लेकिन उसका आधार गुरु होना चाहिए, आपस में भाईचारा निभाना नहीं। इसी प्रकार से हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य है कि हम परमात्मा को प्रेम करें, देवी देवता और आपस में भाईचारा न निभाएं। ये भाईचारा निभाने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है, लेकिन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा, वो भाईचारा निभाएंगे तो निभाओ भाईचारा। अच्छा, निभाते निभाते इतने जन्म बीत गए, क्या भाईचारा निभा? इस पर विचार कर लो। अगर काम बन गया हो तो ठीक है, लेकिन काम बनना ही नहीं है, जब मार्ग ही ठीक नहीं है तो लक्ष्य कैसे ठीक होगा? तो उनकी बातों में मानवता के प्रति प्रेम और भाईचारे की चर्चा जरूर हो रही होगी, और सुनने और देखने में ये आइडिया, ये विचार बहुत दैवीय और कल्याणकारी लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है इस पर आप विचार करिए। पर शायद ही कोई विरला समझ पाएगा कि इससे ज्यादा आसुरी और हानिकारक आइडिया हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा खतरनाक कोई विचार नहीं हो सकता। और इसी आइडिया को उदारवाद के नाम से जाना जाता है, और हम लोग सोचते हैं ये उदारवाद है, ये उदारता नहीं है, ये मूर्खता है। समझना होगा वास्तविक उदारता क्या है। तो अगर कुछ भी करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब ठीक करेंगे तब ठीक प्राप्त होगा, सही करेंगे सही प्राप्त होगा, सत्य करेंगे सत्य प्राप्त होगा, असत्य करेंगे असत्य प्राप्त होगा, बुराई करेंगे बुराई प्राप्त होगी, भलाई करेंगे भलाई प्राप्त होगी। अब भलाई भी किस स्तर की भलाई करेंगे, उसी स्तर तक आपका भलाई होगा। भलाई को भी समझना आवश्यक है, भलाई की भी बड़ी विचार है, बड़ी कैटेगरियां हैं। खैर, तो आज के जो ढोंगी गुरु इसी आइडिया की आड़ में अपने अपने पंथ की कल्पना बड़े धूमधाम से और धड़ल्ले से कर देते हैं, और यदि कोई हम में गलती निकालता है तो उसको निंदक कहकर के चुप कर देते हैं। कोई अगर कहे कि ये क्या बोल रहे हो, तो ठीक नहीं, तो कहता रहे तुम तो निंदा करते हो साधुओं की, ये तो निंदक है। निंदक कहकर अपने आश्रम की दीवारें दिखाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। साधारण जन ऐसे उदारवाद के चंगुल में फंसकर भ्रमित हो जाते हैं और ढोंगी को संत और संत को ढोंगी मानने लगते हैं, सभी परंपराओं और संप्रदायों के प्रति घृणा करने लगते हैं, सभी संतों की वाणी सुनकर मन में खिचड़ी पका लेते हैं, और अंततः अपने मूर्ख आइडियों को भी सही समझकर खुद भी एक दिन तथाकथित संत बन जाते हैं। तो कृपया विचार करिए कि क्या ये जो समाज में चल रहा है वो ठीक है? क्या उदारवाद का मतलब यह है कि जो कुछ भी बोला जाए सबका आदर करो? बोले सब एक ही बात है, सब ठीक है। तो कृपया विवेकवान बनिए, सिद्धांतों को समझिए, गीता को पढ़िए, भागवत को पढ़िए। दो ग्रंथ जिस व्यक्ति ने पढ़ लिए वो इसी जीवन में भगवत धाम जाने का अधिकारी, केवल पढ़ने मात्र से नहीं,
और अकेले समझ में भी नहीं आते। मैं अक्सर बोलता हूं 10th और 12th की किताब आप अकेले पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एक बार पास करने के बाद आज आपको समझ में नहीं आएगा, आज आपको फिर शिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है मानवता का, जो भौतिक शिक्षा लेने के लिए तो शिक्षक ढूंढती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए वो सोचती है कि उसको कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी विचार करो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है, यहां कोई रोक टोक नहीं है। तो कृपया विवेकवान बनिए, गुरु के निर्देशन में पढ़ेंगे तब समझ आएगा क्या सत्य है। और मनुष्य जीवन मिला है सत्य प्राप्ति के लिए। अगर आप सत्य को जाने बिना मनुष्य शरीर छोड़ देते हो तो आपने अपना सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि संसार का धन संपत्ति, बच्चे, पति पत्नी, ये तो साथ जाएगा नहीं। अभी कल हम, जैसे ही हमारा मृत्यु होगा, हम अपनी यात्रा पे निकल लेंगे, अकेले जाएंगे, और उस यात्रा पर मेरे द्वारा किए हुए कर्म ही मेरे साथ होंगे। और अगर हमने तथाकथित उल्टे सीधे कर्म किए हैं तो उल्टे सीधे परिणाम जीवन में आना स्वाभाविक है। यानी मानव जीवन प्राप्त करके भी आपने अपने आप को ठग लिया। क्यों? क्योंकि आपको सत्य सुनना नहीं था, आपको केवल वाहवाही सुननी थी, अपनी पीठ ठुकवानी थी, तारीफें सुननी थी। तो ठगता वो है जो ठग के पास जाता है। आपका जीवन है, अगर आप ठगना चाहते हैं तो ठगिए अपने आप को, और अगर आप सच में सही मार्ग पर जाना चाहते हैं तो प्रामाणिक गुरुओं की शरण में जाकर के गीता तथा भागवत, इन दो ग्रंथों पर विचार कर लीजिए, मनन कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर ये दो ग्रंथ समझ लिए तो निश्चित रूप से मानव जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जी किसी और का क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लेते, मैं पूछ जी लेती हूँ। वो मुझे ये याद आ रहा था कि वो ऐश्वर्य प्रेम और माधुर्य प्रेम में क्या फर्क था। देखिए, भगवान ऐश्वर्य का मतलब होता है जहां हम अपने सुख की भी कामना करते हैं। जैसे उसको समझ लीजिए, भगवान कृष्ण का प्रेम जीवात्माओं के साथ अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार का है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक जिला अधिकारी, एक डीएम ऑफिस में होता है और उसके बच्चे अगर उससे मिलने आते हैं, उसकी पत्नी मिलने आती है, तो वो प्रॉपर अपनी सीट पर टाई वाई लगाए बैठा होता है और मिलता है, बात करता है और विदा कर देता है। और वही डीएम जब अपने घर पर होता है तो कच्छा लगा, कच्छा पहने हुए को बैठा हो, बच्चे को घोड़ा बनाए, घोड़ा बना करके पीठ पे बिठाए हो और घोड़ा बन करके चल रहा हो, लुंगी लगाए बैठा हो घर में। व्यक्ति एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान, भगवान कृष्ण जब द्वारका में होते हैं तो राजा हैं, मथुरा में हैं अलग भूमिका में हैं, और वृंदावन में हैं वो माधुर्य की भूमिका है। यानी मथुरा में व्यक्ति केवल वो जीवात्माएं वृंदावन में भगवान के सानिध्य में रहती हैं, वृंदावन के अंदर माधुर्य धाम है, वृंदावन में वो जीवात्माएं भगवान के साथ रहती हैं जिन जीवात्माओं का एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, और जो अपनी भी प्रसन्नता चाहते हैं और भगवान की भी प्रसन्नता चाहते हैं, वो लोग भगवान से मथुरा में मिलेंगे, है ना, वृंदावन द्वारिका में मिलेंगे। लेकिन जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनको अपनी प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है, वही जीवात्माएं केवल ब्रज में भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करेंगी।
यानी भगवान को प्राप्त करने पर भी अलग अलग स्थान हैं। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो लेकिन किस भावना से कर रहे हो वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, श्रील प्रभुपाद।